सो हाय फ्रेंड, तो कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर। सो फ्रेंड, आज वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो पल्सर 150 के ऊपर वीडियो है। क्या वीडियो है? पल्सर 150 पे लेडीज़ फुट रेस्ट इंस्टॉल करने के लिए जा रहा हूँ। सो कितना कुछ कॉस्ट पड़ता है सारी चीज़ आपको वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, एंड एक बैग रखने का जगह भी लगाऊंगा। सो देखते क्या कुछ होता है, आप वीडियो देखिए। वेलिंगटन पर मैं अभी जाऊंगा, एंड मतलब पहले आमतौला पर जाऊंगा, वहाँ से ही पाले भाई के साथ मीट करूंगा, उसके बाद सीधा जाऊंगा वेलिंगटन पर। अभी जा रहा हूँ मेरा बाइक लेकर, हंटर 350 लेकर। सो चलते, आप वीडियो पूरा देखिए, बाय। A few moments later. So guys, अभी वेलिंगटन पर आ गया हूँ बाइक एक्सेसरी शॉप पे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बाइक खड़ी कर दिया हूँ, मेरा बाइक भी खड़ी कर दिया हूँ उधर साइड पे हंटर, एंड इधर साइड पे पल्सर 150 खड़ी कर दिया हूँ। एंड पल्सर 150 का काम अभी स्टार्ट होने ही वाला है। जो सारीघाट है वही इंस्टॉल होगा। अभी आप देख सकते हो सारीघाट बिल्कुल भी, मतलब सारीघाट तो है, उसके नीचे पर पैर रखने का जगह जो है लेडीज फुट रेस्ट वो नहीं है, वही इंस्टॉल करने के लिए आया हूँ। एंड उसके साथ साथ जो बैग रखने का जगह है वो भी इंस्टॉल करूँगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो अभी जो लेडीज फुट रेस्ट है वो आ गया है, मतलब लेके आ गया है मैकेनिक ने। एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल सील करके रखा है। एंड देख सकते हो यहाँ पर पल्सर भी लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, सील करके रखा है यहाँ पर। सो यहाँ पर गाइस चेकआउट कर सकते हो, पल्सर लिखा हुआ है। सो चलते इसको कैसे फिटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ, मतलब उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो अभी उसके पहले जो फिट कर रहा है, मतलब इंस्टॉल कर रहा है बैग रखने का जगह, उसको क्या बोलते हैं, हैंगर टाइप कुछ बोलते हैं उसको। सो जो भी है आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी पैकिंग अनबॉक्सिंग कर रहा है, एंड इसको अभी सही से इसको बैठाएगा। एंड मैकेनिक ने बोल रहा था ये रबर कोटिंग हो रखा है, सो मतलब रस्ट वगैरह नहीं लाएगा, उसके वजह से बोल रहा था, जो कि अच्छी बात है। एंड ये जो चीज़ है इसमें रबर कोटिंग होके ही रहता है ज़्यादातर, मैं देखा हूँ। सो चलते अभी इसको सही से फिट करना पड़ेगा। एंड मतलब इसको तो मतलब इंस्टॉल करने का कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जो सस्पेंशन का जो बोल्ट है उसको खोलना पड़ा पहले, उसके बाद इसको लगा के जो बोल्ट है फिर से सही से इसको बैठा दे रहा है, मतलब टाइट कर दे रहा है जो बोल्ट है सस्पेंशन का। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो अभी जो बैग रखने का जगह है हुक टाइप, सो वो अभी सही से इंस्टॉल कर दिया है, सही से बैठा दिया है। एंड उसके बाद अभी नीचे का जो लेडीज़ फुट रेस्ट है वो भी अभी इंस्टॉल करने का बारी आ गया है, आप देख सकते हो अभी खुल रहा है। एंड गाइस, अभी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, अभी सही से इसको बैठा दिया है जो लेडीज़ फुट रेस्ट है उसको। सो अभी सही से इसको टाइट कर दे रहा है नाइट बोल्ट को। एंड यहाँ पर आपको गौर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, एंड दिखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो सही है, मतलब ब्लैक कलर के साथ मैच कर रहा है, मतलब सारीघाट के साथ मैच ही हो गया है ज़्यादातर, आप बोल सकते हो। थोड़ा बहुत तो इधर उधर मतलब देखने को लाएगा, क्योंकि जो सारीघाट है उसके साथ नहीं है, मतलब आफ्टर मार्केट से चीज़ को मैं खरीद के इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो उसके वजह से थोड़ा तो इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, बट मेरे हिसाब से तो ओवरऑल देखा जाए तो सही लग रहा है दूर से। एंड आप चेकआउट कर सकते हो, अभी सही से इसको टाइट कर दे रहा है, क्योंकि नहीं तो इधर उधर हिलेगा तो भाई प्रॉब्लम होगा, मतलब आवाज़ करेगा। सो उसके वजह से, एंड पैर रंगने का जगह है, टाइट अच्छे से नहीं करोगे तो पैर रंगने में दिक्कत होगा। सो अभी गाइस देख सकते हो बिल्कुल सही से टाइट कर दिया है, बिल्कुल अभी अच्छे से इसको फिट कर दिया है, आपको गौर से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। एंड चलते अभी एक खाली जगह पर जाके आपको सही से दिखाता हूँ, एंड इसका कितना प्राइस पड़ा है वो भी सारी चीज़ आपको बताऊँगा। एंड देख सकते हो मैं अभी पैर रख के भी थोड़ा बहुत एक बार दिखा दिया हूँ। सो चलते आप वीडियो देखिए, बाय। सो गाइस, वेलिंगटन में जो जो काम था दोनों बाइक का करा चुका हूँ, एंड एक एक करके वीडियो आएगा, वो तो आपको मतलब देख के पता चल जाएगा। सो अभी रुका हूँ, कहाँ पर रुका हूँ, जगह का नाम क्या है, मैदान, विक्टोरिया मैदान के पास रुका हूँ गाइस। एंड यहाँ पर अभी लेबू चाय पी रहा हूँ, सो देख सकते हो उधर साइड पे संजीत भाई भी पी रहा है। सो चलते हो जाने देते, होने के बाद आपको दिखाता हूँ मॉडिफिकेशन क्या कुछ कराया हूँ, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सो बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, लेडीज़ फुट रेस्ट इंस्टॉल हो चुका है, एंड अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, बैठ के भी दिखाऊंगा कि सही है कि नहीं, एंड इसका कितना प्राइस पड़ा है वो भी आपको बता दूंगा। एंड वेलिंगटन पर कैसे फिट कर रहा था वो भी आपको दिखा दिया था, और एक बार आपको दिखा देता हूँ, वैसे चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो। एंड हार्डी भी है, मतलब ये जो आप सारीघाट देख रहे हो सारीघाट के जैसा ही ये इसका जो मजबूत है वो है। सो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है अभी। एंड ऊपर साइड पर आप देख सकते हो बैग रंगने का एक वो क्या बोलते हैं क्रिया टाइप एक छोटा सा इंस्टॉल किया हो। सो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी लोहे का है, एंड ऊपर में रबर का कोटिंग दे रखा है, क्योंकि नहीं तो रस्ट लग जाएगा जल्द, उसके वजह से ये चीज़ दिया है। और काफ़ी मजबूत है, आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आप चेकआउट कर सकते हो। और क्वालिटी मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लगा ये दोनों चीज़ का क्वालिटी।
सो अभी आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि फुट रेस्ट जो है लेडीज फुट रेस्ट वो कैसा हुआ है, मैं पैर रख के एक बार दिखा देता हूँ, सो आप वो देखो। एंड गाइस एक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, मतलब ये ज़्यादातर लोग थोड़ा सा गलती कर देता है, ये जो आप देख सकते हो लेडीज़ फुट रेस्ट है, इसको पहले मतलब पैर रख के बाइक के ऊपर उठता है, बट ये आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि नहीं तो ये जो लोहे का है काफ़ी मजबूत है मानता हूँ, बट इसके साथ है साड़ी गार्ड के साथ ये फिटिंग है। सो उसके बाद ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा लोग इसके ऊपर पैर रख के चढ़ेगा बाइक के ऊपर तो ये टूट भी जा सकता है, सो उसके लिए आपको ये चीज़ बता दिया हूँ। आप जब भी मतलब पिलियन सीट पे बाइक पे उठोगे सो उस टाइम पे आपको यहाँ पर जो फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट पे पैर रख के ही उठना पड़ेगा, ये चीज़ एक बार मतलब समझ लेना। किसी भी बाइक पे हो आप फुट रेस्ट पे पैर रख के अगर उठोगे तो बाइक का जो साड़ी गार्ड वगैरह है वो सही रहेगा, सो उसके लिए एक बार बोल दिया हूँ आपको। एंड अभी आपको एक बार बाइक के पीछे पर उठकर भी दिखा देता हूँ कि कैसा हुआ है अभी। इसका नाम से देख सकते हो बिल्कुल पैर के जगह पर है, बट ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर लेडीज लोगों के लिए, मतलब जो साइड से बैठते हैं मॉम लोगों के लिए, सो मैं साइड से भी बैठ के एक बार दिखा देता हूँ कैसा बैठना पड़ेगा। इसमें पैर रखना पड़ेगा, देन उसके बाद ऐसा बैठना पड़ेगा, एंड यहाँ पर पैर रखना पड़ेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल सही से पैर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे को भी देख सकते हो, एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूँ, चेकअप कर सकते हो, देख सकते हो काफ़ी मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये चीज़ नहीं था, सो उसके लिए क्या होता था मॉम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि पैर रंगने का, मतलब एक पैर झूलता था ऐसे, सो उसके बाद ऐसे ये चीज़ इंस्टॉल किया है जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है मतलब लेडीज़ लोगों को बैठने के लिए। सो ये चीज़ आपको बता दिया हो, एंड देख सकते हो काफ़ी कम्फर्टेबल है। सो बस यही था, कैसा लगा आपको ये लेडीज़ फुट रेस्ट कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इसका प्राइस अभी आपको बता देता हूँ। सो गाइस मैं ऑनर से पूछ लेता हूँ कि कितना प्राइस पड़ा है फुट रेस्ट का, लेडीज़ फुट रेस्ट कौन सा है। 350 रुपीज़ इसका प्राइस पड़ा है, एंड उसके साथ ये चीज़ भी लगा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर बैग वगैरह रखने के लिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल एक चीज़ है बाइक पे, सो वो भी आपको बता दिया हो। इसका प्राइस पड़ा है 100 रुपीज़, एंड जो लेबर चार्ज है मतलब आप बोल सकते हो इसको इंस्टॉलेशन का जो चार्ज पड़ा है वो भी आपको बता देता हूँ। नीचे का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो 80 रुपीज़ पड़ा है नीचे का इंस्टॉलेशन चार्ज, एंड ये 20 रुपीज़ आई थिंक है, ये जो आप देख पा रहे हो इसका इंस्टॉलेशन चार्ज 20 रुपीज़ पड़ा है गाइस, टोटल 80 एंड 20 मतलब 100 रुपीज़ लेबर इंस्टॉलेशन चार्ज पड़ा है ये दोनों चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए। एंड नीचे का जो लेडीज़ फुट रेस्ट है उसका प्राइस है 350 रुपीज़, एंड ऊपर का जो बैग रंगने का जो जगह है उसका प्राइस है 100 रुपीज़, सो टोटल लगभग आप बोल सकते हो 350, 450 एंड 100 मतलब 550 रुपीज़ खर्च हुआ है ये दोनों चीज़ को पूरा इंस्टॉल करने में। सो आपको बता दिया हूँ कैसा लगा वीडियो, ऑब्वियसली कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसको जरूर प्रेस कर देना। सो बाय, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ, सो बाय, हैव अ गुड डे, बाय।